मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेतारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धे मंगलं भगवान वीरो मंगलं गौतमो गणि मंगलं कुंदकुमचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम्। तत्वार सूत्र परम मांगलिक ग्रंथ है। आचार्य कुंदकुंद के पट्टशिष्य आचार्य उमा स्वामी द्वारा यह विक्रम की प्रथम शताब्दी में लिखा गया है। सूत्रात्मक शैली भाषा इसकी संस्कृत है। 10 अध्याय में विभाजित है 7 तत्वों का जिसमें वर्णन है, और हम सभी लोग दूसरा अध्याय पढ़ रहे थे जिसमें जीव के 5 भाव, जीव का लक्षण और जीव के भेद प्रभेद के बारे में समझ रहे थे। जीवों में कितने प्रकार की इंद्रियां पाई जाती हैं उसमें वर्णन किया अपन ने, द्रव्य इंद्री और भाव इंद्री। जो 5 इंद्रियां होती हैं वो द्रव्य रूप भी होती हैं और भाव रूप भी होती हैं। द्रव्य इंद्री का जो स्वरूप है उसे अपन ने 17 नंबर के सूत्र में देखा था, निर्वृत्तुपकरणो द्रव्य इंद्रियम। निर्वृत्ति और उपकरण से जो रचना होती है उसे अपन द्रव्य इंद्री कहते हैं। निर्वृत्ति है, निवृत्ति नहीं है। निवृत्ति शब्द और निर्वृत्ति शब्द दोनों में बहुत अंतर है। जब अपन निवृत्ति कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, और जब अपन निर्वृत्ति कहते हैं तो उसका अर्थ क्या हो जाता है। निर्वृत्ति मतलब होता है रचना, और निवृत्ति मतलब होता है उस चीज़ से अलग होना। जैसे कर्मों से निवृत्ति हो गई, कर्मों से रहित हो गए, संसार से निवृत्ति हो गई, संसार के कार्यों से झंझटों से रहित हो गए, तो इस प्रकार से वो निवृत्ति है। और यहाँ पर क्या है, निर्वृत्ति मतलब रचना। तो आत्मा के प्रदेशों का उस आकार रूप निवृत्ति होना, या अभ्यंतर निवृत्ति बताई थी, वहाँ पर इंद्रियों की संरचना होना वह बाह्य निवृत्ति थी, और उपकरण जो उस निवृत्ति के सहायक करें, सहायता करें। आज हम सब लोग पढ़ेंगे भाव इंद्री के बारे में। भाव इंद्री आत्मा की ओर से लेना है अपन को, चेतन की ओर से लेना है। भाव इंद्री पढ़ें उसके पहले अपन इसका जो सूत्र है 18वां नंबर, उसका एक बार बोर्ड के माध्यम से सूत्र को देखते हैं। सूत्र है 18वां नंबर, लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम। ठीक है ना, लब्धुपयोगौ भावेन्द्रियम, लब्धि प्लस उपयोगौ उपयोग, इन दोनों को भाव इंद्री कहते हैं। अब इस सूत्र की अपन व्याख्या सुनते हैं। भाव इंद्री 2 प्रकार की होती हैं, लब्धि और उपयोग रूप। आप यहाँ स्लाइड में देख रहे होंगे और दोनों यहाँ पर लिखी हुई हैं। लब्धि क्या लिखा हुआ है, मति ज्ञानावरणादि कर्म के क्षयोपशम से उत्पन्न विशुद्धि, उत्पन्न ज्ञान, ज्ञान का उघाड़, उसे कहते हैं लब्धि। ठीक है ना, क्या लिखा है, मति ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से, क्षयोपशम लिखा है। इसका मतलब जो मति ज्ञानावरण, शुद्ध ज्ञानावरण, अवधि ज्ञानावरण और मनः परे ज्ञानावरण, इनके क्षयोपशम से। ठीक है ना, ऐसे चक्षु दर्शनावरण, अचक्षु दर्शनावरण और अवधि दर्शनावरण, इनके क्षयोपशम से जो शक्ति प्रकट होती है, विशुद्धि प्रकट होती है, जानने की शक्ति प्रकट होती है, जो आत्मा में ज्ञान का उघाड़ होता है, प्रकाश होता है, उसे क्या कहते हैं, लब्धि। ठीक है, उपयोग, उपयोग में क्या लिखा है, जो वो लब्धि प्रकट हुई है, जो वो विशुद्धि प्रकट हुई है, उससे उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप ज्ञान, प्रवर्तन रूप प्रयोगात्मक रूप ज्ञान, जो प्रयोगात्मक रूप ज्ञान है उसे कहते हैं उपयोग। ठीक है, एक तो अपन को शक्ति प्रकट हो गई, अपने पास 1 करोड़ रुपये आ गए। अब 1 करोड़ रुपये का अपन जो उपयोग करें, सामान खरीदें, उसके वो वस्तु खरीदें, भोग भोग में लगाएं, तो वो कहलाएगा, जो प्रयोगात्मक कार्य हो रहा है वो कहलाएगा उपयोग। ठीक है ना, तो प्रगटता, ज्ञान की प्रगटता होना और ज्ञान का प्रयोग होना, ये 2 बात यहाँ पर कह रहे हैं। क्या बोले, ज्ञान की प्रगटता को लब्धि कह रहे हैं,
और उस ज्ञान का प्रति समय प्रयोग होना, प्रवर्तन होना, प्रभाव होना, उसे क्या कह रहे हैं? उपयोग कह रहे हैं। तो ये दोनों चीज कहाँ प्रकट होती हैं? ये दोनों आत्मा की चीजें हैं, जड़ की चीजें तो है ही नहीं है। चेतन का परिणाम है, चेतन की परिणति है। ज्ञान गुण आत्मा में पाया जाता है कि पुद्गल में पाया जाता है? तो स्वाभाविक है पुद्गल में नहीं पाया जाता है, शरीर में नहीं पाया जाता है, वह तो आत्मा का ज्ञान गुण है। ऐसी दर्शन गुण किसका है? आत्मा का। तो ये दर्शन गुण और ज्ञान गुण, इनकी जो शक्ति प्रकट हुई, मतलब उसमें जो आवरण था कर्म का, उसका आवरण कर्म का क्षयोपशम हुआ। क्षयोपशम किसका होता है? ज्ञान दर्शन का नहीं होता है, ध्यान रखना। क्षयोपशम किसका होता है? कर्म का होता है। जो कर्म का आवरण था उसका उदय में अभाव हो जाना और आगामी काल के लिए उसका कर्म का दबा रहना, वो हमारे ज्ञान को प्रकाशित होने दे, तो उसे कहते हैं अपन क्षयोपशम, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पर क्या बोला? मति ज्ञानावरणादि। जब अपन चक्षु मात्र में लेंगे, अलग अलग इंद्रियों में लेंगे, तो उसका अलग अलग कर्म का बनेगा। अभी तो एक पूर्ण रूप से बात चल रही है कि ज्ञान मति ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम। ऐसे अंतराय कर्म में भी लेना पड़ेगा, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम लेना पड़ेगा, क्योंकि जानने की शक्ति तो प्रकट हो गई, लेकिन वो जानन शक्ति कब तक बनी रहे, तो उसके लिए भी आत्मशक्ति चाहिए होता है। तो वीर्यांतराय कर्म का भी क्षयोपशम लगेगा, इसलिए यहाँ पर आदि शब्द दे दिया, मति ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम से जो उत्पन्न हुई विशुद्धि, उसे कहते हैं लब्धि, ठीक है, ओके। फिर क्या दिया है? उपयोग, जो विशुद्धि प्रकट हुई है उस विशुद्धि से उत्पन्न आत्मा का प्रवर्तन रूप ज्ञान, प्रभाव रूप ज्ञान, जानने रूप ज्ञान, जाननहार रूप ज्ञान, वह कहलाता है उपयोग। तो यहाँ पर लब्धि और उपयोग बताई। लब्धि मतलब शक्ति। देखिए, जैसे किसी जीव को बहुत सारे शास्त्रों का ज्ञान है और ज्ञान की उसके अंदर वो शक्ति, जैसे वो समय सार को भी जानता है, नियम सार को भी कंठस्थ कर लिया है, तत्वार शुद्ध को भी कंठस्थ है उसके पास है, तो संस्कृत साहित्य भी, प्राकृत साहित्य भी, अंग्रेजी साहित्य भी, हिंदी साहित्य भी उसे कंठस्थ हैं, उसकी स्मृति में है, उसके आत्मा की ज्ञान शक्ति लब्धि में है। लेकिन जिस समय वो जिस चीज़ का चिंतन कर रहा है, तो उपयोग उसका उस समय उसमें रहेगा। जैसे मैं समय सार की गाथा पढ़ा रहा हूँ या गाथा समझा रहा हूँ या चिंतन कर रहा हूँ, तो मेरा उपयोग कहाँ पर है उस समय? समय सार की कुंद कुंद की गाथाओं में लगा हुआ है, आत्मा परमात्मा के भेद विज्ञान में लगा हुआ है। तो वो क्या हुआ? वो मेरा उपयोग समय सार में है। तो जिस समय मेरा समय सार में उपयोग है, तो उस समय मेरा नियम सार में उपयोग नहीं है। समय सार में भी पूरे समय सार में नहीं, जिस पर्टिकुलर कोई गाथा, कोई श्लोक, कोई शब्द का आप वाचन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं, मंथन मनन कर रहे हैं, उस समय आपका उपयोग सिर्फ और सिर्फ वहीं पर है, अन्य जगह नहीं है। तो ये तो हो गया मेरा उपयोग, ठीक है ना। लेकिन जिस समय मैं जिस शब्द का चिंतन कर रहा हूँ, उस समय मेरे को और भी शब्दों का ज्ञान है, और भी मेरे पर वोकेबलरी है, शब्दकोश है, लेकिन वो मेरे उपयोग में अभी नहीं है, अभी वो मेरे लब्धि में है। कहाँ पर है वो? लब्धि में है, शक्ति रूप में है। उस समय मेरा नियमसार का भी ज्ञान है, प्राकृत का भी है, संस्कृत का भी है। सामान्य से बात समझिए, आपको वर्तमान में कितनी भाषाओं का ज्ञान है? लगभग दो भाषाओं का तो लगभग सबको ज्ञान होता ही होता है, हिंदी और संस्कृत। जिस समय आप हिंदी में वार्तालाप किसी से कर रहे हैं, तो उस समय आपको इंग्लिश आती है या नहीं आती है, अंग्रेजी भाषा बोलना आता है या नहीं आता है, या उसका नॉलेज आपको है या नहीं है? तो आप कहेंगे मुझे नॉलेज तो है, पर आपको नॉलेज है, पर उपयोग में अभी आपका अंग्रेजी नहीं है। उपयोग में क्या है आपको? अभी हिंदी भाषा है, हिंदी में वार्तालाप आप कर रहे हैं। तो जिसमें आप वार्तालाप कर रहे हैं, वो आपका ज्ञान का व्यापार, ज्ञान की क्रिया प्रक्रिया चल रही है, वो किसमें चल रही है? उपयोग में हिंदी चल रही है, और लब्धि में वो अंग्रेजी भी रखी हुई है,
आपको उस समय भी आपको अंग्रेजी का ज्ञान है, ऐसे ही मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोप समाधि होने से व्यक्ति को पांचों इंद्रियों मन की सहायता, जैसे कोई पांच इंद्रिय जीव हो और उसकी द्रव इंद्रिय बढ़िया हो तो, और उसका क्षयोपशम मति ज्ञानावरण कर्म का वीर्यांतर कर्म का क्षयोपशम उसका हो, तो उसको पांचों और मन, पांच इंद्रियों मन, इन छयों से जानने की शक्ति तो प्रकट हो गई, लेकिन जिस समय वो देख रहा है तो उस समय देखने रूप उपयोग है उसका, सुनने रूप उपयोग नहीं है। जिस समय वह सुन रहा है तो सुनने रूप उपयोग है, देखने रूप उपयोग नहीं है। जिस समय वो चख रहा है तो चखने रूप उपयोग है, उस समय वो सुनने और देखने रूप उपयोग नहीं है, क्योंकि उपयोग एक बार में एक ही होता है, इतना सूक्ष्म होता है जिसको हम पकड़ नहीं पाते हैं। हम तो अपने उपयोग को स्थूल उपयोग को पकड़ पाते हैं। कौन से उपयोग को पकड़ पाते हैं? स्थूल एक समय के उपयोग को अपन कहाँ पकड़ पाते हैं? अपन तो असंख्यात समयों से वाला जो उपयोग है वो हमारे पकड़ में आता है, और उसके कारण हमको लगता नहीं, हम तो देख भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं, चख भी रहे हैं और स्पर्श भी कर रहे हैं, पांच इंद्रिय का हमारा एक साथ ज्ञान हो रहा है, हम सोच भी रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, एक बार में एक उपयोग होता है। तो उपयोग जो ज्ञान का व्यापार है, जो आपकी विशुद्धि प्रकट हुई थी, जो ज्ञान का उघाड़ प्रकट हुआ था, आपने पुरुषार्थ पूर्वक कर्म का क्षयोपशम करने से जो आपका प्रकाश प्रकट हुआ, विशुद्धि प्रकट हुई, वो उसका व्यापार जो चल रहा है उसे कहते हैं उपयोग। चैतन्य के अनुविधायी परिणाम को उपयोग कहते हैं। क्या बोलते हैं? चैतन्य के अनुविधायी, अनुविधायी मतलब अनुसरण, चैतन्य का अनुसरण करने वाला जो परिणाम है उसे उपयोग कहते हैं। अब ये उपयोग एक समय में एक ही होता है, केवल ज्ञानी को भी एक समय में एक ही उपयोग होता है, एक समय का केवल ज्ञान, फिर दूसरे समय का केवल ज्ञान, तीसरे समय का केवल ज्ञान, इस प्रकार का अलग अलग केवल ज्ञान, मतलब हर समय का केवल ज्ञान अलग अलग उनका, तभी तो उत्पाद व्यय होगा, वरना उत्पाद व्यय भी होना, वो बात जो है घटित नहीं होगी। तो इस प्रकार से वो बात अलग है कि उसी उसी रूप को जान रहा है, उतना ही उतना जान रहा है, लेकिन प्रति समय का नया नया केवल ज्ञान है उत्पाद व्यय की अपेक्षा से। तो इस प्रकार से अपन ने यहाँ पर देखा लब्धि और उपयोग को, कि लब्धि किसे कहते हैं और उपयोग किसे कहते हैं। नमस्ते गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि उपयोग क्या दो प्रकार का है, स्वयं उपयोग परिउपयोग, इसका कृपा समाधान कीजिए। उपयोग एक ही होता है, लेकिन अपन इसे उपचार से दो प्रकार का कह सकते हैं। पर पदार्थ जब निमित्त बनता है और उसको जानने में जब उपयोग हमारा लगा रहता है तो हम उसे कह सकते हैं पर उपयोग, जब अपने स्व को जानता है तो अपन कह सकते हैं उसको स्व उपयोग, जहाँ पर का निमित्त ना लगे। ये तो अपन ने व्यवहार से किया। वैसे उपयोग तो क्या है? चैतन्य के परिणाम है। तो आत्मा अपने को ही जानता है तो पर का ज्ञान होता है, पर को जानने से ही आत्मा को ज्ञान होता है ऐसा कभी नहीं होता है। जिस समय पर को भी जान रहा है तो उस समय आत्मा ज्ञान रूप भ्रमण किस में कर रहा है? पर में कर रहा है कि अपने में कर रहा है? अपने में ही प्रणमन करेगा। जैसे केवल ज्ञानी है तो केवल ज्ञानी पूरे तीन लोक को देख करके ज्ञान रूप प्रणमन कर रहे हैं कि अपने ज्ञान में प्रणमन कर रहे हैं तो तीन लोक दिख रहा है? तो अपने ज्ञान में प्रणमन कर रहे हैं तो तीन लोक दिख रहा है। ऐसे ही उपयोग कैसा है? प्रत्येक आत्मा अपने में ही प्रणमन करता है, तो अपने प्रणमन करने से तो उपयोग तो स्व उपयोग ही हुआ। लेकिन अपन इंद्रिय सापेक्षता की दृष्टि से, कि इंद्रियों के माध्यम से पराधीन हो करके पर पदार्थ को जानता है, इसलिए अपन इसे पर उपयोग कह सकते हैं। और जब इंद्रिय के माध्यम से नहीं, अनिंद्रिय अर्थात इंद्रियों से परे मात्र अपने आत्मा को आत्मा से जानता है तो उसे अपन स्व उपयोग कह सकते हैं। इस प्रकार की व्यवस्था बिठाई जा सकती है। तो यहाँ पर अपन इसको, जो अपन ने दोनों सूत्र पढ़े 17वां नंबर का और 18वां नंबर का, इसकी अपन एक बार रूपरेखा देख लेते हैं। ऊपर इंद्रिय लिखिए जहाँ यहाँ लिखा हुआ है, और अपनी कॉपी में नोट करते जाइए, इंद्रिय लिखिए
और एक तरफ लिखिए द्रव इंद्री और दूसरी तरफ लिखिए भाव इंद्री, ठीक है ना। द्रव इंद्री के नीचे फिर आप बनाइए दो निवृत्ति और उपकरण, ठीक है ना। निवृत्ति मतलब इंद्रियाकार रचना, निवृत्ति मतलब क्या हो गया, सिंपल सा अर्थ हो गया शॉर्ट में इंद्रियाकार रचना, उसे अपन कहेंगे द्रव इंद्री, निवृत्ति द्रव इंद्री, ठीक है ना। इंद्रियाकार रचना पुद्गल की भी हो सकती है और आत्मा के प्रदेशों की भी हो सकती है। और फिर अपने लिखा है उपकरण, उपकरण में क्या लिखा है, निवृत्ति का उपकार करे सो उसे उपकरण कहते हैं। ये पूरा चार्ट आप अपनी एक कॉपी में पूरा बना लेना, जिसमें आप कभी दोबारा कभी भूलेंगे नहीं, आपको याद रहेगा द्रव इंद्री का क्या पार्ट है और भाव इंद्री का क्या पार्ट है। भाव इंद्री के नीचे बनाया अपन ने लब्धि और उपयोग। लब्धि में क्या लिखा है, ज्ञानावरणादि कर्म का क्षयोपशम, क्या लिखा है, ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम, उसे अपन ने क्या लिया है लब्धि, ठीक है ना। तो ज्ञानावरणी कर्म का क्षयोपशम होगा तो ज्ञान की शक्ति प्रकट होगी, उसे अपन ने लब्धि कहा। उपयोग में क्या लिखा हुआ है, चेतना का परिणाम विशेष, जो चेतना का परिणाम विशेष है या ज्ञान का व्यापार है उसे अपन ने उपयोग कहा। एक और स्लाइड देखिए, यहाँ पर क्या क्या लिखा हुआ है, लब्धि उपयोग द्रव इंद्री और उपकरण। ज्ञान की प्रकटता जो प्राप्त शक्ति है, जो ज्ञान की प्रकट प्राप्त शक्ति है उसे अपन ने लब्धि कहा। क्या कहा, लब्धि, ज्ञान की जो प्रकट शक्ति प्रकट हुई है उसे अपन ने, जैसे आपने अपने घर में 5 किलोवाट का या 10 किलोवाट का आपने मीटर लगवा लिया, तो वह आपकी कितनी शक्ति प्रकट हो गई कि आप 10 किलोवाट की जो लाइट है अपने पूरे घर में क्या कर सकते हैं, एक साथ भी उपयोग कर सकते हैं पूरी शक्ति, ठीक है ना। अथवा आप क्या कर रहे हैं, पूरी आपकी शक्ति तो प्रकट हो गई है पर आप एक बल्ब जला रहे हैं, बस एक ट्यूबलाइट जला रहे हैं या कोई एक इंस्ट्रूमेंट का उपयोग कर रहे हैं, तो शक्ति तो बहुत प्रकट हो गई, 10 किलोवाट की शक्ति की आपने, आपको इतने पास पैसा था कि आप इतना खर्च कर सकते थे तो आपने 10 किलोवाट की शक्ति आपने ले ली, लेकिन आप उसका उपयोग कितना कर रहे हैं, आप किसी छोटे बल्ब में या बड़े कूलर में या फ्रिज के लिए उपयोग कर रहे हैं, लाइट का उपयोग कर रहे हैं, तो वो आपका उपयोग हो गया। क्या हो गया, जैसे आप बोलते ना घर का सामान का उपयोग करो, कपड़े का उपयोग करो, पैसे का उपयोग करो, ऐसे वो यहाँ पर चेतन के व्यापार का उपयोग हो गया, ठीक है। तो वो उपयोग, ठीक है ना, इस शक्ति का जो प्रयोग है वो प्रयोग है, उसे अपन ने क्या कहा, उपयोग। इस उपयोग में सहकारी साधन कौन है, जो हमारा आत्मा का उपयोग है, लेकिन उसमें सहकारी साधन कौन है, तो वो द्रव इंद्रियां हैं। कौन सी है वो, और द्रव इंद्री के लिए सहकारी कारण कौन है, तो वो उपकरण है, बाह्य उपकरण जो है वो इसके सहायक होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर अपन ने ये द्रव इंद्री और भाव इंद्री का स्वरूप का संक्षिप्त रूप से वर्णन समझा। नमस्ते आचार्य श्री, द्रव इंद्रिय के निमित्त से भाव इंद्रिय होती है या भाव इंद्रिय के निमित्त से द्रव इंद्रिय होती है? ये निमित्त नैमित्तिक संबंध है द्रव इंद्री और भाव इंद्री। आत्मा में जानने की शक्ति प्रकट हुई सो द्रव इंद्री का होना भी एक निमित्त होता है, अथवा द्रव इंद्री की संरचना हुई तो आत्मा में भाव इंद्री रूप जानने की शक्ति प्रकटता हुई वहाँ पर फिर भाव इंद्री जो है वह निमित्त होता है, कहीं द्रव इंद्री के लिए कहीं द्रव इंद्री निमित्त होता है भाव इंद्री के लिए। आत्मा में जानने की शक्ति तो प्रकट हो जाए और उस समय द्रव इंद्री ना हो, ऐसा भी नहीं हो सकता, ठीक है ना। उसमें उस समय द्रव इंद्री भी वहां पर उपस्थित होती ही होती है, जैसे स्पर्शन इंद्री, एक इंद्री के स्पर्शन इंद्री है। हाँ, ये हो सकता है कि जानने की शक्ति कम ज्यादा तो हो सकती है, स्पर्शन इंद्री एक इंद्री की है और उस समय उसका क्षयोपशम ना हो, भाव इंद्री का स्पर्शन इंद्रिय संबंधी ऐसा नहीं होगा। हाँ, उसमें कम ज्यादा तो हो सकता है कि उसको उसका जो व्यापार है, जानने की शक्ति है, वो क्या हो रही है, कम चल रही है, लेकिन क्षयोपशम बिल्कुल भी ना हो, नगण्य हो, ऐसा नहीं हो सकता। जैसे एक इंद्रिय भी है तो उसके भी निगोदीय जो जीव है उसके भी एक अक्षर के अनंतवे भाग बराबर ज्ञान निरावरण है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से और आगे जाकर के उसका क्षोभ सम भी देखा जाता है,
निरावरण तो है ही है, पर उसके अलावा कर्म का क्षयोपशम भी देखा जाता है। क्षयोपशम के बल से उसके भाव इंद्रियां प्रकट होती हैं। तो एक स्पर्श इंद्रिय संबंधी, फिर रसना संबंधी, फिर घ्राण संबंधी, तो द्रव्य इंद्रिय की संरचना होने से उस जीव में भाव इंद्रिय की भी प्रकटता होती है, और भाव इंद्रिय की प्रकटता होने से द्रव इंद्रिय का भी संचार कार्य दिखाई देता है। जैसे कर्ण के माध्यम से सुनना, घ्राण के माध्यम से सूंघना, स्पर्श के माध्यम से रूखा चिकना का ज्ञान होना, तो ये दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक संबंध बनते हैं। ये सब ध्यान रखना क्षयोपशम अवस्था में, ठीक है ना। क्षायिक अवस्था में कोई भी द्रव्य इंद्रिय निमित्त कार्य जरूरी नहीं है, क्योंकि जहाँ पर डायरेक्ट आत्मा का ज्ञान, आत्मा का दर्शन प्रकट हो जाता है, तो वहाँ पर इंद्रियों आदि की कोई जरूरत, कोई आवश्यकता, द्रव इंद्रिय कोई जरूरत आवश्यकता नहीं बनती है, फिर वो निमित्त का कार्य नहीं करती है। इसका भी हमें अच्छे तरह से समझ लेना चाहिए। नमस्तु गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि आत्मा में जो विशुद्धि प्रकट होती है उसका कारण भाव इंद्रिय है या कोई अन्य कारण है? आत्मा में जो भाव इंद्रिय में विशुद्धिता प्रकट होती है वह तो अपनी निज शक्ति है। निश्चय से देखें तो अपनी क्या है, निज शक्ति है, अपनी निज शक्ति है, जो देखने सुनने या स्पर्श आदि ज्ञान संबंधी के लिए ज्ञान प्रकट हो रहा है, वो आत्मा की अपनी निज शक्ति है। निश्चय से तो ये है, व्यवहार से मति ज्ञानावरण कर्म का क्षयोपशम हो तो कर्म भी आप निमित्त हो गया, यदि कर्म का क्षयोपशम ना हो तो फिर वो आत्मा में जानने की शक्ति भी क्या बोलते कि प्रकट नहीं होती है। तो व्यवहार में बाहर निमित्त है, कारण है, तो कर्म भी कारण है। क्या है? कर्म भी कारण है आत्मा की विशुद्धि प्रकट होने में। उपादान शक्ति तो अपनी आत्मा की स्वयं की जानने की शक्ति है, तो विशुद्धि भाव तो वो आत्मा का ही है, ठीक है, जानने की शक्ति और उपयोग का व्यापार। लेकिन उसमें कर्म निमित्त कैसा हुआ, उसका कर्म का क्षयोपशम होना ही वह उसके लिए निमित्त है। एक निमित्त तो ये हो गया कर्म का क्षयोपशम। बाह्य निमित्त भी और भी होते हैं, जैसे आपने चश्मा पहना है तो चश्मा भी आपके लिए निमित्त है, कान से सुनाई नहीं देता है तो कान की मशीन लगाते हैं, वो मशीन भी आपके लिए क्या होती है, निमित्त रूप होती है। तो इस प्रकार से जो बाह्य उपकरण हैं, यंत्र आदि हैं, उनके माध्यम से भी आप के लिए विशुद्धि प्रकट होने में माध्यम बनती है। देखिए, हमको जानने की शक्ति तो है, लेकिन यदि हमको बाहर का श्रवण नहीं हो रहा है, ठीक है ना, या हमको बाहर का आंख के माध्यम से दिखाई नहीं दे रहा है, तो हमारे पास चश्मा नहीं है, हमारे पास मशीन नहीं है, तो हम वो श्रवण नहीं कर पाएंगे, हम वो देख नहीं पाएंगे। तो आपको चश्मा भी और कर्ण की मशीन आदि भी आपके लिए क्या बनी, वो निमित्त बनी, तो वो भी आपके लिए बाह्य निमित्त है विशुद्धिता प्रकट होने में। आपका क्षयोपशम होते हुए भी, शक्ति होते हुए भी, आप उसका जो उपयोग आत्मक जो कार्य करना है उसमें बाह्य निमित्त भी होते हैं। तो अंतरंग तो अपनी निज की शक्ति है, अंतरंग तो क्या, अपनी स्वयं की निज की शक्ति है, जो कर्म जो आत्मा में ऐसा ही ज्ञान गुण की पर्याय प्रकट हुई है, दर्शन गुण की पर्याय प्रकट हुई है, वीर्यांतराय कर्म के क्षयोपशम से जो आत्मा में जानने देखने की शक्ति प्रकट हुई है। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं कि निज शक्ति को अपन निज शक्ति में डालो और पर की शक्ति को अपन ने पर शक्ति में डालो। संसार अवस्था में हम कर्म की सहायता से जीवन भी जीते हैं, तो इसलिए कर्म का भी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, और निज की शक्ति तो है ही है, जो अपनी अपने स्वयं की विशुद्धि आदि है। इस प्रकार से निमित्त नैमित्तिक संबंध बना करके अपन चलेंगे तो हमें ये बात दोनों समझ में यहाँ पर आ जाएंगी। इस प्रकार से भाव विशुद्धि निश्चय से अपनी ही स्वयं की प्रकट हुई शक्ति और उसका प्रवर्तन रूप ज्ञान उपयोग अपना ही है, यह बात यहाँ पर समझना चाहिए। इस प्रकार से अपन ने देखा 17 नंबर और 18वां नंबर जो सूत्र है बड़ा इम्पोर्टेंट है, कि इसके माध्यम से हमने द्रव्य इंद्रिय के बारे में और भाव इंद्रिय के बारे में समझा विस्तार रूप से, और कभी आगे अवसर मिलेगा तो इसको और भी विस्तार रूप से अपन समझेंगे। आरती चोपड़ा बपुरम बेंगलोर, आपकी शंका है ऐसा कर्म या कार्य क्या करें जिससे त्रस नाम कर्म में उदय में जीव को आना पड़ता है,
देखिए तृष्णाम कर्म दो इंद्रिय से लेकर के पांच इंद्रिय तक के सभी जीव को तृष्णाम कर्म का उदय होता है, तभी जीव त्रस पर्याय में जन्म लेता है। लेकिन यदि हमें त्रस में मनुष्य, देव, नारकी या पांच इंद्रिय, त्रियंश या दो इंद्रिय भिन्न भिन्न पर्याय में जन्म लेना है तो उनके अलग अलग कारण होते हैं। जैसे नरक में यदि त्रस पर्याय में जन्म लेना है तो बहुत आरंभ, बहुत परिग्रह, संकलेश प्रणाम करते हैं तो उससे नरक त्रस पर्याय को प्राप्त होते हैं। स्वभाव में मारता, सरलता, कषाय की मंदता, दान पुण्य आदि कार्य करने से जो है, और अकाम निजरा या सकाम निजरा आदि कार्य करने से भी देव पर्याय में त्रस पर्याय नाम कर्म से हम जन्म लेते हैं, यह कार्य करते हैं तो यह होता है। यदि त्रिंच पर्याय में यदि जन्म होता है, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री या पांच इंद्री त्रस पर्याय में जन्म लेना है तो वह माया त्रिगुणश्य मायाचारी के तीव्र तीव्रतर तीव्रतर मंद मंद मंत्र आदि परिणामों के कारण त्रिंच गति में जन्म होता है। और यदि मनुष्य त्रस नाम कर्म में उदय में हमको आना है, जन्म लेना है तो वहाँ पर अल्प आरंभ, अल्प परिग्रह आदि के कार्य करना पड़ेगा और स्वभाव में मृतक से भी मनुष्य आदि पर्याय की प्राप्ति होती है। ये कारण आगम धारा में प्राप्त होते हैं और इन्हीं कारण से त्रस पर्याय में जीव का जन्म आदि होता है। ममता जैन मॉडल टाउन, आपकी शंका है कि जिसका नॉनवेज का त्याग है वो नॉनवेज होटल में भोजन ना करे। कुछ लोग कहते हैं कि भोजन तो वहाँ डिस्पोजल मिलता है और शाकाहारी मिलता है तो उसे ग्रहण कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। नॉनवेज होटल में आप वहाँ पर डिस्पोजल में मिले, चाहे सोने की थाली में मिले, चाहे चांदी की थाली में मिले, किसी हाथ में मिले, आप वहाँ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर जो भोजन है वह नॉनवेज बन रहा है। वहाँ की रसोई, वहाँ के बर्तन, वहाँ के वर्कर्स, और पहली बात यदि आपको यदि जीवन में शुद्धता लाना है तो होटल आदि में आपको कुछ खाना ही नहीं चाहिए। जिसका छने पानी का नियम है वो कहीं भी बाहर नहीं खा सकता है। दूसरी बात, होटल ही नहीं, यदि नॉनवेज यदि अस्पताल में मिल रहा है तो वहाँ भी नहीं खाएंगे, किसी रेस्टोरेंट में मिल रहा है तो वहाँ भी नहीं खाएंगे, किसी भी स्थान में यदि आपको वहाँ पर नॉनवेज आदि होता है तो वहाँ पर आपको भोजन नहीं करना है। यदि करते हैं तो आपको नॉनवेज का ही पाप लगेगा और जीवों की हिंसा का पाप लगेगा और आपके अशुद्धता आपके अंदर आएगी। इस प्रकार से वहाँ पर कुछ भी खाना पीना नहीं चाहिए। जावाणी के ज्ञान से सूजे लोकारो, सो वाणी मस्तक धर्मो सदा देत हो धो। हे जिन वाणी भारती तो हे जपो दिन रेन, जो तेरा शरणा धरे सो पावे सुख चैन। सभी को बहुत बहुत मंगल। नमो सूर्य।